हेलो नमस्कार दोस्तों, नया सीखे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना है बिना किसी एप्लीकेशन के डाउनलोड करे और वो भी फ्री में, तो कैसे हम पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्रोम को ओपन करना है, तो यहाँ पर हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल पर आपको टाइप करना है कंप्रेस, यहाँ पे देखिए कंप्रेस पीडीएफ फाइल टू, अगर 400 केबी में करना है तो 400 केबी लिख दीजिएगा और अगर आपको 300 केबी में करना है तो 300 केबी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 300 केबी ले रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट जो भी वेबसाइट है आप यहाँ पर क्लिक करें। कंप्रेस पीडीएफ नाउ पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक करें और वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जिसको आपको कंप्रेस करना है। यहाँ पर 4 MB की मेरे पास पीडीएफ फाइल पड़ी है, उसको मुझे 300 KB में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये बेसिक कंप्रेस लिखा है, इसमें हमें 2.3 MB मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग कंप्रेस करेंगे तो 984 KB पर। ये प्रो वर्जन है, इसके लिए आपको पैसे पे करने, लेकिन मुझे फ्री में करना है तो बेसिक कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए 1.35 MB में ये डाउनलोड हो गई है, 4 MB की फाइल थी। अब इसके बाद हम पैक करेंगे। अब देखिए कंप्रेस पीडीएफ फाइल 300 KB, यहाँ पर दूसरी वेबसाइट को ओपन करेंगे फाइल में जाके, और जो आपने अभी कंप्रेस करी है 1.35 उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 300 KB सेलेक्ट है, इसको कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए हमारी जो फाइल थी वो कंप्रेस हो चुकी है 289 KB में, यहाँ पर ये कंप्रेस हो गई है। ये मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, ये हमारी जो फाइल है 289 KB में हो गई है। हमें 300 KB तक सेलेक्ट करनी थी और मैंने यहाँ पर 290 KB यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमारी कंप्रेस हो चुकी है पीडीएफ फाइल। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।